आज मैं आपको दिखाऊंगा गोवा की नॉन वेज मार्केट। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्रैब, क्रैब मींस केकड़ा। अरे ये भाई साहब केकड़ा बेच रहे हैं। तो चलिए आगे चल के और मस्त जबरदस्त और ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जो कि आप पहली बार देखेंगे। तो चलिए आगे चल के मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ, लेट्स गो। ये सब सुखा के रखा है। इधर होटल होटल पे डालने के लिए बोलो तो डालेगा, मैं सस्ता में डालेगा, ऐसा बात नहीं। मेरा होलसेल का रेट है। ये क्या है लंबे लंबे, ये भी फिश है? ये बॉम्बे फिश, बॉम्बे गोमिल। ये क्या है? गोमिल मछली, ये भी है बॉम्बे डॉक्स। अच्छा ऐसे है क्या? किसको मनता तो बोलो, मैं इधर रहता हूँ। हाँ प्रचार कर दो। इसे कैसे खाते होंगे यार? कौन सा? उस वाले को? ये जैसा सब्जी नहीं बनाते हो वैसा ये भी बना ले। तू कहाँ से है बता? सिद्धार्थ नगर से हूँ। कहाँ? सिद्धार्थ नगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। अरे ससुरा उत्तर प्रदेश से। इधर हम इलाहाबाद से है। हम इलाहाबाद से है। उधर से इधर आ गया। तो चलिए अब आगे चल के और कुछ दिखाता हूँ। अभी उससे यूपी वाले भैया से बात हुई, अब उसके आगे चल के मैं दिखाता हूँ आपको नॉन वेज मार्केट में क्या क्या मिलता है। भाई नॉन वेज मार्केट में फुली नॉन वेज मार्केट है। तो यहाँ मैंने अपनी नाक बंद कर ली है, नाक में मास्क लगा लिया है और चल दिया है। यहाँ ये प्रॉन फिश है, आई थिंक प्रॉन मीन्स झींगा। और बहुत सारे यहाँ पे गंदे एंड अच्छे आइटम आपको मिलेंगे। अगर आप नॉन वेज खाते हो तो आपके लिए तो बिल्कुल अच्छे हैं, जो मेरे जैसे ब्राह्मण आदमी है उसके लिए तो बिल्कुल गलत बात है। लेकिन आज मैं बिल्कुल नाक में मास्क लगा के बिल्कुल पहुँच गया हूँ आपको ये फिश दिखाने। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी फिश है। और बहुत सारे आइटम ऐसे हैं कि सुखा के रखा है या गीले हैं या फ्रेश हैं, और हर तरह की आइटम मिलेंगे आपको यहाँ पे। भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये पूरा फिश मार्केट है गोवा का। और गोवा का फिश मार्केट ये पंजिम सिटी में स्थित है, बिल्कुल सेंटर में पंजिम सिटी के। मैंने लास्ट वीडियो में वेजिटेबल मार्केट दिखाया था, उसके आगे जस्ट ये फिश मार्केट है। यहाँ पे टोटली फिश मिलती है, फिश। और ये लोकल लोग हैं जो बेच रहे हैं यहाँ पे, लोकल हैं और कुछ यूपी और बिहार वाले भैया भी हैं। आप देख सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो यार। जो खाते हैं उन्हें पता होगा, जो खाते हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये क्या है, ये आइटम क्या है। मुझे भी नहीं पता, बट मैं देखने आ गया हूं कि भाई यहां पे मिलता क्या क्या है। ये आप फिश देख सकते हैं, लॉट ऑफ वैरायटीज ऑफ फिश देखने आए। बहुत सारी वैरायटी है यहां पर फिश की, वो पूरी फ्रेश है यहां पे। ओह माय गॉड, कितनी ये फिश। मैं तो पहले उसमें देखता था एक्वेरियम में, जो स्कूल के कॉलेज के एक्वेरियम में होता था उसमें रखी रहती थी ऐसी फिश। और आगे चल के दिखाता हूं यहां पे। थोड़ा स्मेल अजीब सी आ रही है क्योंकि मैं खाता नहीं हूं, जो खाते हैं उनको तो अच्छी लग रही होगी मुझे पता है। तो आगे चल के दिखाता हूं, थोड़ा नाक में मास्क और अच्छे से टाइट करके मैं आगे चल रहा हूं, हिम्मत जुटा के। बिल्कुल ये आप देख सकते हैं टाइप ऑफ फिश। हो माय गॉड, कितनी अच्छी अच्छी फिश है यहाँ पे। बट ये खाने के लिए नहीं है मेरे, क्योंकि मेरे देखने के लिए है, क्योंकि सुंदरता देखने के लिए होती है। जो खाते हैं भाई आप लोग के लिए तो बिल्कुल डिलीशियस लग रही होगी। और आगे चल के दिखाता हूँ, ये प्राउन है, आई थिंक प्राउन बोलते हैं, आई थिंक प्राउन, प्राउन मीन्स झींगा। उसके आगे और आगे चल के दिखाते हैं ये फिश। ओ माय गॉड, कितनी शाइनिंग वाली फिश है। आई डोंट नो नाम, नेम प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताना अगर आप देख रहे हो गोवा के इस नॉन वेज मार्केट को। तो यहाँ पे ये सब मिलता है, लेकिन यहाँ पे मीट वगैरह मैंने नहीं देखा कहीं पर लटका हुआ अभी फ़िलहाल, अभी तक, जैसा कि मैं साउथ इंडिया में देखता था। ये क्रैब है, बहुत सारे क्रैब रखे हुए बिल्कुल। और ये फिश आप देख सकते, कितनी ब्यूटीफुल फिश है। आप देख सकते कलर देखो एक बार, कितनी ज़बरदस्त फिश लग रही है। उसके आगे आप देख सकते हैं, ये मैंने फोटोज क्लिक किया इस फिश की, कितनी अच्छी फिश, ब्यूटीफुल फिश है ये। और बिल्कुल अच्छे से डेकोरेट करके रखा गया है यहाँ पर भी। तो और ये भी फिश आप देख सकते हैं। ओ माय गॉड, नेम आप लोगों को पता होगा आई होप। तो उसके आगे चलते हैं, आप ये अब देखो। तो ये सारी फिश मार्केट यहाँ पे, अगर कोई भी हुआ गोवा का, अगर पंजिम सिटी में रहता है तो वो यहाँ से फिश मार्केट लेता है, मतलब फिश लेता है एक्चुअली इस मार्केट से, क्योंकि यहाँ पे टोटली फ्रेश रहती है और फ्रेश अवेलेबल रहती है यहाँ पे। तो यहाँ पे बड़े और छोटे बड़े सब लोग यहाँ पे भीड़ लगती है। अभी तो मैं वीडियो बनाने के लिए इसलिए इस समय आया क्योंकि कम भीड़ इस समय रहती है, क्योंकि शाम के टाइम मतलब अंधेरा होते समय कम भीड़ रहती है। उसके पहले यहाँ पर तो खचाखच भरा रहता है, वीडियो बनाने का समय नहीं मिलता, इसलिए मैं इस समय आया हूँ। तो यहाँ पे यूपी बिहार और अपने नॉर्थ साइड वाले बहुत लोग आपको यहाँ पर बेचते हुए मिल जाएंगे।
तो चलिए आज मैंने आपको दिखाया गोवा की प्रसिद्ध फिश मार्केट या फिर कहें नॉन वेज मार्केट, जो कि आज तक आपने नहीं देखा था। अगर आपको गोवा के बारे में और कुछ भी जानना है तो प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बताऊँगा जो कि आप जानना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।